कैसे हो? हमारे पास माल थोड़ा कम ही होता है, ठीक है। इतनी बारिश में इतनी मुश्किल से एक ग्राहक अंदर आया, चाहिए क्या? ट्रैक सूट। मैंने बोला ये लो जी ट्रैक सूट। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अभी सुनिधि ब्लॉग्स में। आज शॉप से हम ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। शायद सुनिधि जी अलग अपना ब्लॉग बनाए, मैंने अभी आज अपने फ़ोन पे अलग से बनाना शुरू किया। देखता हूँ, मैंने कहा कि देखते हैं कैसा बनता है। तो यहाँ आज का माहौल ऐसा है कि मैंने तो बाहर का जो इस टाइम मौसम है बहुत ही ज़्यादा शानदार, देख सकते हो बारिश हो रही है और आज कस्टमर बिल्कुल नहीं है। पता नहीं क्यों, बट बारिश में वैसे भी ना ग्राहक बाहर आना पसंद नहीं करता, तो बाकी दुकानदार आ जाते हैं मगर ग्राहक नहीं आते हैं। तो बस यार यही अभी चल रहा है, बाहर का माहौल ठंडा, अंदर का माहौल ठंडा, ग्राहक है नहीं। मैंने आज ब्लॉग शुरू कर ही लेता हूँ। मैं आज का दिन आपको दुकान का ब्लॉग ही दिखा दूंगा पूरा, कि क्या क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, काम है नहीं है, अच्छा पता चल जाएगा शाम तक। तो बाकी आगे पीछे वाले भी आ गए, शायद इनसे बात करते हैं। हमारे साथ में जो है, जो मेरे पड़ोसी है ना, उनका मोबाइल का काम है, तो चलो आज उनसे थोड़ी गपशप लगाते हैं और आपको उनसे मिलवाता भी हूँ, ठीक है। तो ये देखिए जी, ये है हमारे साथ में गारू टेलीकॉम। तो ये हैं हमारे मोबाइल वाले भैया, इन्होंने भी लाइट नहीं जगाई, क्या बात है, हैं? लाइट क्यों नहीं जगाई आपने? सर बिजी बड़े हम लोग, बिजी बड़े, टाइम ही नहीं है इनके पास, इतना काम है, कोई हिसाब ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं बन रहा। देखो ना, आते ही इन्होंने भी शटर पूरा खोला भी नहीं है, माल सिस्टम बाहर भी नहीं निकाला और काम आ गया। वाह, तो क्या प्रॉब्लम है पहले इस फोन को बताऊँ जरा? इसका सर कंबो खराब हो गया। ओके, तो डालना पड़ेगा नया। ओके, तो ज्यादातर कंपो में ही पैसे बचते थे, तो सुबह सुबह मजा आ रहा है। अच्छा मजा आ गया ना, चलो दिहाड़ी आधी आधी दिहाड़ी बन गई है। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। कि आज मौसम का भी मजा आ गया और आपको भी मजा आ गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो हम क्या करें सर? आप पनीर वाला कुलचा खाओ, गांधीनगर में जाते पनीर वाला कुलचा है, नहीं तो पनीर वाले पकौड़े ले लो। ठीक है ठीक है, पनीर के पकौड़े। पैसे कौन देगा? दिहाड़ी आपकी बनी, आप पैसे दो। हम दे देंगे थोड़े से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रीब्यूट कर दोगे? हैं कंट्रीब्यूट क्या, हम पूरे दे देंगे। चलो चाय आप मंगा लेना, बस इतनी सी बात है। चलो जी, आज पनीर के पकौड़े चला रहे फिर है। ठीक है, ग्राहक आ गया दुकान में, हम भी देखते हैं। ओके, हमारे पास माल थोड़ा कम ही होता है, ठीक है। ओके, तो अब निकल गया पास से तो अच्छा फायदा हो जाएगा। हाँ, बाहर पैसे खर्च नहीं करने पड़े हैं, आइटम यहीं पे लग गई है। वाह क्या बात है, तो इनका होलसेल का भी थोड़ा थोड़ा है सिस्टम, तो उसमें से निकल जाता है। तो देखो मजे ले गए, आज लाइट जगा दी आखिरकार। वाह, तो इन्होंने चाय तो मंगा ली है, इन्होंने अब पनीर के पकौड़े रह गए आपके पीछे, वो शाम को आएंगे अगर अच्छा दिन निकल गया है। नेक्स्ट वाला कॉम्बो, एक कॉम्बो से तो काम हो गया, दिहाड़ी आधी बन चुकी है, दूसरी बनानी पनीर पकौड़े के लिए। ठंड के अंदर यार बस बैठे हुए हैं हम आराम से, कस्टमर है नहीं है, कुछ सर्दी लग रही है बहुत ज़्यादा। जैकेट मेरी गीली हुई थी, दुकान से उठा के डाल ली दूसरी वाली। अभी एक कस्टमर आया था, इतनी बारिश में इतनी मुश्किल से एक ग्राहक अंदर आया, चाहिए क्या? ट्रैक सूट। मैंने बोला ये लो जी ट्रैक सूट, ये देखिए एक, ये दूसरा, ये तीसरा, बट डिमांड बंदे की देखो आप इतनी, मतलब कि अपनी मतलब वैसी है, कह रहे हैं कि ये वाले कलर का ट्रैक सूट चाहिए, लाइट शेड का। यार इतना लाइट शेड का ट्रैक सूट कौन पहनता है? हम लोग भी जो मंगवाते हैं, हमारा 100 में से एक ग्राहक आता है, वही एक ग्राहक था जो बारिश वाले दिन आया। ओह माय गॉड, तो ये तीन ट्रैक सूट होने का भी कोई फायदा नहीं हुआ अपने पास, तो देखते हैं अगला ग्राहक कब आता है। साथ साथ आज पूरा ब्लॉग कोई डिफरेंट ही बनाऊंगा मैं। तो गाइस अभी जो है यार आ गया हूँ दूसरी वाली शॉप पे, तो यहाँ भी बाहर तो बारिश मूसलाधार चल रही है, अच्छी खासी बारिश आ रही है, मौसम साफ ही बीच बीच में हो रहा है। तो अभी बैठे हुए हम यहाँ पे शॉप पे, तो अभी राहुल भी आ जाएगा थोड़ी देर में, वो गया हुआ अपने ससुराल, तो वहाँ से आ जाएगा, तो उसके बाद फिर शायद हम कहीं जाएं। गाइस मौसम हो गया है साफ, मतलब बारिश तो बंद हो गई है, तो अब देखते हैं जरा कि दूसरी दुकान में काम का क्या हाल है, इन्होंने कुछ किया, बोनी वगैरह हुई है नहीं हुई? तो राहुल अभी तक आया तो नहीं है, और निगर भी यहीं पर बैठा है, इसका मतलब बोनी नहीं हुई भी। मौसम का नज़ारा चेंज हो गया, तो पनीर के पकौड़े कैंसिल है, आपकी दिहाड़ी तो बनी गई है। नरेश जी भी आ गए हैं वापस, बड़े दिनों से गए थे, राहुल अभी तक आया नहीं। अभी गजराल जी जो है, गजराल बजराल जो भी है, सब ठीक है। तो बारिश हो चुकी है बंद, तो हम सोचेंगे बाहर जो है सारा का सारा जो अपना क्या बोलते हैं उसको, शो डिस्प्ले लगा दी जाए, तो सारी डिस्प्ले ये पड़ी हुई है, तो इसको फटाफट से लगा दो, तो उसके बाद शॉट लेते हैं। गाइस फाइनली बारिश बंद हो चुकी है, बाहर धूप हो गई है, और सबसे खुशी की बात है ये हमने बोनी भी कर ली है। टाइम हो रहा है 3:30 और लंच करने लगा हूँ, लंच में गोभी चपाती, बस लेबर वाला काम है यार, तो लेबर वाला खाना खा रहे हैं।
तो अभी करता हूँ लंच, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। कैसे बोलते हैं हेलो गाइस? हेलो गाइस, कैसे हो? हेलो गाइस। हेलो, हेलो गाइस, कैसे हो? पूछो उनसे। हेलो गाइस। वो सोच रही कुछ, वो सोच रही पूछना किसको है। हेलो गाइस, आज हमारा अरु बेबी जो है वो व्लॉगिंग की दुनिया में पांव रख रहा है, हेलो गाइस बोलना सीख गया है ना। हेलो गाइस। हेलो गाइस, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा आ रहा बेबी को। आप बड़े होके व्लॉग बनाओगे? नहीं। क्यों? जैसे पापा बोल रहे हैं आप बोलो वैसे। हेलो गाइस। हेलो गाइस। नहीं, बड़े होके ऐसी वीडियोस बनाओगे आप? लॉलीपॉप बेबी पास। नहीं, पहले बताओ बड़े होके ऐसे व्लॉग बनाओगे आप? लॉलीपॉप। अच्छा, लॉलीपॉप ले दूंगा ना, पहले बताओ ना बड़े होके ऐसी वीडियो बनाओगे हैं? जैसे पापा बनाते हैं वीडियो वैसे बनाओगे आप? नहीं, बड़े होके ऐसी वीडियो बनाएगी जैसे मैं बना रहा हूँ? यस नो? यस, ऐसे करो। यस। हेलो गाइस। हेलो गाइस, इसको समझ आ गई। हेलो गाइस। हेलो गाइस, बोलो सबको सब्सक्राइब करो। हेलो गाइस, सब्सक्राइब बोलो। हेलो गाइस। हाँ, हेलो हेलो हेलो। तो गाइस, आज का व्लॉग जो हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, बट उससे पहले ना हमारी अरु ने थोड़ा सा मतलब सीखा है इसमें व्लॉग बनाना, तो वो आप लोगों ने भी देख ही लिया होगा स्क्रीन पे जो अभी ये कर रही थी। तो दुकान का व्लॉग तो वहीं पे ही मैंने छोड़ दिया था, उसके बाद थोड़ी सी मतलब कस्टमर वगैरह चल रहे थे, टाइम पता नहीं लगा कैसा हो गया कैसे नहीं, तो फटाफट घर आए, खाना खाना खाया, तो अभी बेड पे आए लेटे, और अरु ने थोड़ी देर पहले जो ये वीडियो बनाई जो आप लोगों ने देख लिया कि अरु भी अब सीख रही है, तो वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो बस यार, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म कर देता हूँ। सो थैंक यू सो मच हमारी वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दो, और सब्सक्राइब प्लीज़ हमारे चैनल को कर दीजिए। बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड बाय।